नमस्कार। अब खबर कामा से। कामा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नकपा गोविंदमल में कार्यरत एक मात्र अध्यापक भी विद्यालय समय में स्टाफ में सोता रहा, जबकि दूसरी कक्षा के कक्ष में अध्ययन कर रहे चार विद्यार्थी पर एक सीआर ने हमला बोल दिया, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सीआर के हमले के दौरान विद्यालय में हड़कंप मच गया। रोते चिल्लाते बच्चे स्कूल के कार्यालय में पहुंचे तो सोते हुए अध्यापक को जगाया। मौके पर पहुंचे अध्यापक ने सीआर को विद्यालय से भगाया और तब जाकर छात्रों ने राहत की सांस ली। घायल छात्र के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला गोपीनाथ के तीन अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें दो अध्यापक की ड्यूटी बोर्ड परीक्षाओं में लगी हुई है। इस कारण एकमात्र अध्यापक की विद्यालय में ड्यूटी दे रहा है। शुक्रवार की दोपहर को छठी कक्षा के छात्र सौरभ गौरव तनिष्क तरुण अध्ययन कर रहे थे, जबकि विद्यालय में कार्यरत एकमात्र गुरुजी विद्यालय के कार्यालय में नींद ले रहे थे। इसी दौरान सीआर ने कक्षा कक्ष में बैठे चारों छात्रों पर हमला बोल दिया, जिसमें तरुण पुत्र भगवान सिंह जाट गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर परिजन विद्यालय पहुंचे तथा घायल छात्र को उपचार के लिए कामा स्थान में भर्ती कराया गया। सुरेश चंद्र भांद्रा ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विद्यालय समय में कक्षा कक्ष में बैठे चार विद्यार्थियों पर सीआर द्वारा हमला किए जाने की घटना मेरी जानकारी में है। विद्यालय में तीन तरफ की बाउंड्री खुली हुई है, मात्र एक ही तरफ की बाउंड्री बाल है। खुली जगह के कारण ही सीआर विद्यालय में प्रवेश कर गया, जिसकी यह घटना हुई। कामा से चैनल लाइव के लिए हरिओम कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।